आप सभी लोगों ने हाल ही में न्यूज में पढ़ा होगा कि जो सीबीआई के पूर्व निदेशक रहे हैं राकेश अस्थाना साहब को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और याद रखिए, राकेश अस्थाना का नाम कई विवादों से भी जुड़ा रहा है। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि जो सबसे बड़ी एजेंसी, जांच एजेंसी के दोनों अफसर थे, एक तो आपके राकेश अस्थाना थे और एक थे आपके आलोक वर्मा, इन दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उसके बाद काफी बवाल भी हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए, बाद में इन्हें क्लीन चिट भी मिल गई और अब आपके दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो इनके बारे में एक मैं सामान्य जानकारी भी बता देता हूं, और यहां आपकी सीबीआई क्या है या फिर आपका बीएसएफ क्या है, इस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। और राज्य भी, कई राज्यों से जुड़े भी रहे हैं, उन राज्यों के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपकी राकेश अस्थाना साहब। तो अभी दिल्ली को आपको अगर देखें आप लोग दिल्ली, तो आपको देखने को मिलेगी ये है आपकी राजधानी दिल्ली। और अगर हम लोग दिल्ली में बात करें तो आप जानते हैं कि वैसे अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अच्छी विधानसभा में सीटों में जीत भी हासिल की थी, 70 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 सीटें देखने को मिलेगी। और एक बात और बता दूं आपको, दिल्ली से लगे हुए राज्यों की बात करें तो एक तरफ आप हरियाणा देखेंगे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी को दो ही राज्य लगते हैं इससे, एक तो हरियाणा है, एक आपका नई दिल्ली है। और वैसे भी आप लोग दिल्ली को आजकल सुन रहे होंगे क्योंकि किसान आंदोलन चारों तरफ से घेर के बैठे हुए हैं, ये इनकी पिक्चर है। और अगर हम लोग सीबीआई के बारे में भी कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको, आप सभी जानते हैं कि सीबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई का गठन हुआ था। और आप सभी जानते हैं इसका पूरा नाम होता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप लोग इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अगर इसके कार्यों की बात करें हम लोग, तो जैसे आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो मसले होते हैं, जो मामले होते हैं, उसकी जांच करती है कौन? सीबीआई। समझ रहे हैं आप लोग? और इसके जो अधिकार हैं, ये आप देखेंगे कि दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम 1946 के तहत परिभाषित हैं सीबीआई के। अब बात कर लेते हैं अस्थाना साहब के बारे में, तो इनका जन्म होता है 9 जुलाई 1961 को, 9 जुलाई 1961 को रांची झारखंड में इनका जन्म होता है। कहाँ? रांची झारखंड। आप देखेंगे ये आपको झारखंड भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड को स्टेट का दर्जा 15 नवंबर सन 2000 को मिला था, और बिहार से अलग करके आपका झारखंड नया राज्य बनाया गया था। यहाँ भी आप देखेंगे तो विधानसभा सीटें आपको 82 देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 6 सीटें देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं कि इससे लगे अगर राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे नीचे आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका बिहार है और आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इनके अगर आप पिता की बात करें तो एच के अस्थाना इनके पिता थे जो अध्यापक थे। और इनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो नेतर हाट स्कूल से इन्होंने शिक्षा ली थी। उसके बाद आगे की शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की थी, आप लोग काफी चर्चा में भी रहता है। और इन्होंने कुछ समय के लिए शिक्षक के रूप में भी काम किया, जो सेंट जेवियर कॉलेज है इसमें इतिहास भी पढ़ाया, यानी कि हिस्ट्री भी पढ़ाया। फिर आप देखेंगे कि गुजरात कैडर की 1984 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं, गुजरात कैडर के 1984 के। गुजरात को भी देख लीजिए, आप देखेंगे अभी हमारे देश के 30 पदों पर, यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात से ही आते हैं आपके, समझ रहे हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात, इसकी राजधानी गांधीनगर है। और आप सभी जानते हैं कि 1 मई 1960 को गुजरात को स्टेट का दर्जा मिला था, राज्य बना था। इससे लगे हुए राज्यों की भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, एक आपके केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और
नागर हवेली और दमन और दीव। और याद रखिए इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो याद रखिए पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और यहाँ आपको मालूम होना चाहिए 182 सीटें हैं लोक विधानसभा में, और लोकसभा में यहाँ आपको 26 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा की बात करें तो 11 सीट देखने को मिलेगी। सीटें आपको और राज्यों के बारे में इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आजकल आपकी परीक्षाओं में इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि गुजरात में कितनी सीटें हैं, ऐसा वैसा, ठीक है? तो ये भी नाम आ रहा है तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। कुछ आपने इनके केस भी सुने होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बारे में आपने काफी सुना होगा, और चारा घोटाले में आपने देखा है कि ये कुछ समय जेल में रहकर भी आए हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले मामले को लेकर राकेश अस्थाना सबसे पहले सुर्खियों में आए थे। जब ये मामला सामने आया था तब राकेश अस्थाना की उम्र 35 वर्ष की थी। उन्होंने लालू यादव से करीब 6 घंटे की पूछताछ की थी और उनकी अगुवाई में दाखिल चार्जशीट के बाद ही लालू यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है? और बिहार को आप लोग देख लीजिए, लालू यादव यहाँ से चुन के आते हैं, कहाँ से, यहाँ से। और बिहार की बात करें तो 26 जनवरी 1950 के आस आप देखेंगे स्टेट बनता है। और आपकी विधानसभा सीटों की बात करें 243 देखने को मिलेगी। और विधान परिषद में बात करें, यहाँ विधान परिषद भी है तो 75 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और इसकी राजधानी पटना हो गई। उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, झारखंड से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है? तो लालू यादव आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में काफी अच्छा स्थान रखते हैं। साल 2002 में गोधरा कांड हुआ था, आप लोगों ने काफी सुना होगा। इसकी जांच भी राकेश अस्थाना ने की थी। और 2002 में साबरमती एक्सप्रेस वे में जो आग लगाई गई थी उस मामले की जांच की जिम्मेदारी राकेश अस्थाना को मिली थी। साथ ही आपने देखा होगा कि 2008 में अहमदाबाद में हुए बम ब्लास्ट की जांच भी राकेश अस्थाना शामिल थे इस जांच में। ये दोनों ही मामले तब के थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साहब पहले मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। साल 2014 में जब आसाराम बापू और नारायण साईं का मामला आया था तब राकेश अस्थाना को इसकी जांच सौंपी गई थी। और नारायण साईं जब लंबे वक्त तक फरार रहा तब राकेश अस्थाना की अगुवाई में ही उसे पकड़ा गया था, यानी कि गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच भी आपके राकेश अस्थाना साहब ने की है। उसके बाद आप देखेंगे कि 2016 में राकेश अस्थाना के करियर में कई विवाद साथ उठे थे जब उन्हें सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। उन पर घूसखोरी का आरोप भी लगा था, लेकिन कोर्ट ने बाद में इन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। इसके बाद आपने देखा होगा कि साल 2018 में राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच विवाद हुआ था और ये काफी चर्चा में भी रहा था। तब देश की सबसे बड़ी एजेंसी के शीर्ष अफसर थे ये दोनों, और खुलेआम एक दूसरे पर आप देखिए खिलाफ भी थे और आरोप भी लगा रहे थे। ऐसे में आपने देखा होगा कि उस समय केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन लंबी सुनवाई के बाद फरवरी 2020 में राकेश अस्थाना को क्लीन चिट मिल गई थी। उसी के बाद आप देखेंगे बीएसएफ डीजी के तौर पर उनकी वापसी की गई थी, यानी कि आप देखेंगे कि क्लीन चिट मिलने के बाद ये बीएसएफ के डीजी भी बने थे। बीएसएफ के बारे में भी बता देता हूँ कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर आप देखेंगे बीएसएफ डीजी के तौर पर नियुक्त के बाद राकेश अस्थाना फिर सुर्खियों में रहे जब उनके अंतर्गत आने वाले एनसीबी ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच शुरू की थी। और इस केस में बॉलीवुड में हलचल काफी बवाल भी मचा हुआ था। कई बार आपने देखा है कि बड़े बड़े स्टार से पूछताछ भी की गई थी, और इस बार फिर दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनकर राकेश अस्थाना दिल्ली में लौटे हैं, तो इनका विवाद भी काफी जुड़ा रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का बता रहा हूं कि बहुत करीबी भी माने जाते हैं। खैर छोड़िए, अपने राज्य के आप कह लीजिए पुलिस कमिश्नर बन के आए हुए, तो
तो अब देखिए आने वाला समय कैसा होता है, किस तरह से काम करते हैं, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतने पॉइंट इनके बारे में याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जब भी देखिए कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद बढ़ जाती है आपकी। और इसलिए आप लोग कभी इस तरह का कोई नाम जोड़ के आ रहा है तो आप लोग उस राज्य के बारे में लगे हाथ पढ़ लिया करिएगा कि वहाँ कब राज्य आया, कौन कौन से राज्यों से सीमा लग रही है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लग रही है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सीटें क्या हैं, कब इसका गठन हुआ है, तो दोनों काम आपके हो जाया करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते रहेंगे हम तो।